बैंक ड्राफ्ट दूंगा ना मैं तो मेरा अकाउंट में उतना पैसा होगा तो ही मैं बैंक पे चेक फाड़ सकता हूँ, कोई मेरे अकाउंट में से फिर बैंक विल गिव अ चेक टू दैट पर्सन। लेकिन मैंने डायरेक्टली तुझे चेक दे दिया तो मेरे अकाउंट में नहीं भी होगा तो भी मैं चेक देख सकता, लेकिन मेरे अकाउंट में पैसा होना चाहिए फॉर बैंक सेफ बैंक। तुम्हारे तुमको दे रहा हूँ मैं पैसा, तुम्हारे अकाउंट में क्या सेफ बैंक ड्राफ्ट है, तुमको बैंक ड्राफ्ट मिलेगा तुम गारंटी है बाउंस नहीं हो, लेकिन तुमको चेक मिलेगा वो बाउंस हो सकता है, मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है फिर भी आएगा। Now listen, narration लिखा being bank draft paid to Lakshman है bank charges income clear, every entry is important, हर एक entry समझो meaning समझो। Mr. Khan's cashier has misappropriated cash of 12, what is misappropriation? Expense. What expense? Loss by misappropriation. Two. Cash. क्या घूम गया? जो घूम गया वो कैश घूमा तो एंट्री क्या है? लॉस बाय मिसअप्रोप्रिएशन टू कैश। गुड्स घूमा तो लॉस बाय मिसअप्रोप्रिएशन टू गुड्स लॉस बाय मिसअप्रोप्रिएशन। फर्नीचर घूम गया लॉस बाय मिसअप्रोप्रिएशन टू फर्नीचर। अरे घूम गया कुर्सी घूम गया। सपोज थियरी में एनीथिंग इज पॉसिबल, इज इट क्लियर? सो लॉस बाय मिसअप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कैश, लॉस बाय मिसअप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कैश, लॉस बाय मिसअप्रोप्रिएशन टू कैश। या 1200 being cash lost by misappropriation, being cash lost by misappropriation। अभी 16th वाला पढ़ो समझो उसको। Mr. Ram sent cash rupees 100 against carriage expenses paid by Khan। ये कहाँ से आया? ऊपर का carriage। ऊपर हमने उसका carriage pay किया था यहाँ पर। दिख रहा है? On behalf कितना? 100। उसका पैसा उसने वापस दिया। कैश टू राम, सिंपल। जब दिया था तब राम टू कैश वापस आया तो कैश टू राम। पूरा दिया कि पूरा पैसा दिया कि 100 रुपीज? 100। तो अभी इस पे सीडी लूं कि नहीं लूं? नहीं, इस पे कोई सीडी नहीं होगा। ये तो कैरेज का जो पैसा था उसने वापस रिटर्न किया। सो कैश टू राम, एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू राम कर लो। कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 100 रुपीज। कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 100 रुपीज। Being carriage expenses reimbursed by Ram. Narration लिख। Being carriage expenses reimbursed by Ram. ये समझा इसका मतलब? Repaid. Being carriage expenses reimbursed by Ram या repaid by Ram. Being carriage expenses reimbursed या repaid. Reimbursed मतलब वापस चुकाया। Cash to Ram. कैश टू राम, कैरेज अपना थोड़ी एक्सपेंस अपना तो था ही नहीं। पहले तुमने क्या किया था? राम टू कैश, तुमने राम को पैसा दिया, वो पैसा उन्हें वापस दिया। कैश टू राम नलिफाई। कैरेज कहीं पे भी दिखेगा कि नहीं? सी, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और ये सिली मिस्टेक काफी होती है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अपने बिजनेस में एक्सपेंस अकाउंट तभी ही दिखेगा जब वो अपना एक्सपेंस है। एक्सपेंस अकाउंट बुक्स में कब दिखेगा? जब वो अपना एक्सपेंस। इनकम कब दिखेगी? जब वो अपनी इनकम। किसी और का एक्सपेंस हमारे बुक में नहीं होगा, किसी और की इनकम हमारे बुक में अकाउंट नहीं देगा। आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। वी पेड रेंट, वी पेड रेंट, एंट्री इज वॉट? रेंट टू कैश, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज पे अटेंशन ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। लिसन, वी पेड रेंट, व्हाट इज द एंट्री? रेंट टू कैश, वी पेड रेंट ऑन बिहाफ ऑफ राम, वी पेड रेंट ऑन बिहाफ ऑफ राम। राम टू कैश है रेंट टू राम टू कैश? अभी रेंट अपना एक्सपेंस नहीं, लेकिन अगर वी पेड रेंट है तो रेंट
rent of my expense, cash is going out. We paid rent on behalf of Ram. So Ram took cash. Acha. Ram paid our rent. Ram paid rent to cash. Ram paid our rent. Ram to rent. Rent to Ram. Ram paid our rent. अब सोचो क्या हो रहा है. Our expense तो debit होना ही चाहिए. Rent debit. Is cash going out? Who is the giver? Credit the. उसको देना. उसने हमारा pay किया. हमें उसे पैसा देना. So तीन example मैंने बताया. We paid rent. What is rent? Rent to cash. We paid rent. We paid rent. Rent to cash. We paid rent on behalf of Ram. Ram to cash. It's not our expense. So Ram to cash, ye wala example. And Ram paid our rent. Rent apna expense hai, debit karo. But cash is not going out, Ram is the giver. So rent to Ram. Matlab hume Ram ko paise dene. तो दो तीन दिन बाद जब राम को पैसे दोगे तब क्या एंट्री होगी उसके बाद राम टू तुम पहले करोगे रेंट टू राम क्योंकि हमारा एक्सपेंस उसने पे किया और फिर जब पैसे दोगे तब राम टू कैश नेट इफेक्ट इज रेंट टू कैश अपना एक्सपेंस और पैसा गया लेकिन दो पार्ट्स में गया पहले राम ने पे किया फिर हमने राम को पे किया तो रेंट टू राम अपना एक्सपेंस उसने पे किया तो रेंट टू राम रेंट डेबिट राम इज द गिवर एंड फिर राम को सेटल किया राम टू इस रेंट का पैसा हमने राम को दे दिया दो तीन दिन बाद एग्जाम्पल समझा तीनों अब ऑन द सेम लाइन्स बोलो मैंने कमीशन रिसीव किया कमान वी रिसीव्ड कमीशन व्हाट इज दैट कैश टू कमीशन पैसा आया कमीशन इज इनकम वी रिसीव्ड कमीशन नीले व्हाट इज एंट्री कैश टू कमीशन We received commission on behalf of Ajay. We received commission on behalf of Ajay. अब क्या एंट्री कर कैश टू अजय वी रिसीव कमीशन ऑन बिहाफ ऑफ अजय तो पैसा आया बट इज इट अवर इनकम अजय जाएगा ऑन बिहाफ ऑफ तो कैश टू अजय उसको देना बाकी है उसके बिहाफ पे हमने रिसीव किया अजय रिसीव्ड अवर कमीशन अजय रिसीव्ड अवर कमीशन अजय टू कमीशन बिकॉज अजय इज रिसीविंग अवर कमीशन कमीशन किसका है तो अपना इनकम क्रेडिट होगा बुक्स में यस बट इज कैश कमिंग इन नो हु इज द रिसीवर अजय टू कमीशन ऐसा बहुत रोल जोल होते रहता है तो दिमाग को क्लियर रखने का अपना एक्सपेंस है या अपनी इनकम है तो ही अपने बुक में अकाउंट दिखेगा वरना वो अकाउंट अपने बुक में नहीं दिखेगा तो थ्री एग्जांपल्स ऑफ एक्सपेंस थ्री एग्जांपल्स ऑफ इनकम आई गिव यू थिंक एंड टेल मी राइवल वी पेड रेंट व्हाट इज रेंट वी पेड रेंट कैश रेंट अकाउंट रेंट डेबिट टू कैश रेंट डेबिट टू कैश वी पेड रेंट रेंट डेबिट टू कैश वी पेड रेंट ऑन बिहाफ ऑफ अतुल We paid rent on behalf of Atul. Atul to cash. अपना rent नहीं है. We paid rent on behalf of Atul. उसका rent है. So Atul to cash. Atul paid our rent. Rent to Atul. Atul paid our rent is rent to Atul. Is it clear? We received rent. We received rent. Cash to rent. Cash to rent. We received rent on behalf of Ram. लेकिन रेंट हमारी इनकम कैश टू राम राम रिसीव्ड अवर रेंट राम रिसीव्ड अवर रेंट राम रिसीव्ड अवर रेंट राम टू रेंट राम रिसीव्ड अवर रेंट रेंट अपना है क्रेडिट ऑल इनकम से अंगेज इज कैश कमिंग इन राम इज द रिसीवर राम टू रेंट राम इज द रिसीवर क्रेडिट ऑल इनकम एंड आएगा आगे भी उसको क्लियर रखना नेक्स्ट वन कैश टू राम किया ये वाला रिफंड मिला कैरेज चार्जेस रीइंबर्स और रीपेड बाय राम
Done? Accountant gave away change 100, an extent of 100 rupee note, that is no way. Liquid. Extent of cash for cash is no way. Extent of cash against cash is not a transaction. Any doubt? Extent of cash against cash is not a transaction, hence no end. Extent of cash against cash is not a transaction, hence no end. Mr. Khan donated 500 for drought relief fund. Donation or charity. Charity. That is an expense, business expense. You can use donation account or charity account. Okay. So, charity account debit to? Business or donation. So, कर सकते हैं business का भी donation कर सकते हैं donation to cash expenses either use donation account or use charity donation account debit to cash being donation paid is it clear received goods from Messrs. Ravi Traders and issued a check for the same. कहाँ से तब का Ravi Traders? Eighth में था. Placed an order. दिख रहा है वहाँ पे? ऊपर था. तभी तो no entry था. अभी उसने goods भेजा. हमने order place किया था. अभी उसने goods लाया और हमने पैसा दिया. Immediately दिया. देखो दिख रहा है. Goods. तो कैश परचेज है चेक से दिया पेमेंट परचेज टू बैंक यू अंडरस्टूड व्हाट हैपेंड ऊपर ऑर्डर प्लेस किया था अभी गुड्स आया और तुरंत पैसा दे दिया सो इट्स अ कैश परचेज बट पेमेंट इज डन बाय चेक सो परचेज टू बैंक कितना अमाउंट है ऊपर से देखो 2008 वाला मिला सबको तो ऐसा ऊपर का एंट्री कनेक्टेड रहेगा एक्चुअल सम में सो परचेज टू बैंक कहानी ऊपर दी होगी कुछ ना कुछ दी होगी बीइंग गुड्स परचेज फॉर चेक क्लियर विद दैट अश्विन मिस्टर खान बॉट अ हॉर्स ऑफ 5000 लाइफ स्टॉक टू कैश Livestock account debit to cash. Please. What is horse? Asset. Livestock. So, livestock account debit to cash account. 5000. Livestock account debit to cash account. 5000. Being horse purchased for cash. Clear? Done? Next, no entry. Why? Received an order from Deepak Brothers to deliver 2000 ka goods on the first of the following month. Order mila, order diya, ye sab transaction nahi hai. Actually, goods doge ya kharido, tab ho. Samjha sabko hello. Received or placed an order is no entry. Right now, no entry for receiving an order. Since it is not a transaction, no entry for receiving an order since it is not a transaction. No entry for receiving an order since it is not a transaction. Is that clear? No entry for receiving an order since it is not a transaction. Okay? Abhi sochna thoda. Very good. Installed neon signs at a cost of 6000. Advertising account debit to cash. What is advertising? Expense. Debit all expense and loss. Cash is going. Advertising account debit to cash. Home. Clear? Advertising advertisement account debit to cash. Being neon signs installed. Advertising account debit to cash. Okay? Advertising account debit to cash, that is 6000. Now, suno mera next. Again, related transaction. Ram paid half the amount due. कहाँ से टपका राम यहाँ पे राम चेस वाइट वाइट निश्चित राम तू सेल्स टू कैश था तब क्या हुआ था सेल्स किया था एंड 100 कैरिज पे किया कैरिज का तो उसने रिफंड दे दिया अभी
कितना पैसा लेना बाकी है? 5000 का गुड्स बेचा है ना, हाउ मच यू आर सपोज टू रिसीव? 5000. ऊपर चेक करो वो राम वाला एंट्री, इट वॉज 14th. ऑल ऑफ यू गो टू 14th ट्रांजेक्शन. सोल्ड गुड्स ऑफ 5000 एट 2% सीडी टर्म्स, दिख रहा है? 10 डेज के लिए. एंड हाँ, पे कैरेज ऑन बिहाफ, ही हैज टू पे विद इन 10 डेज टू अवेल दैट डिस्काउंट फैसिलिटी. अंडरलाइन दैट, ही हैज टू पे विद इन 10 डेज टू अवेल द डिस्काउंट. कब भेजा था उसको? 14. वहां से कैलकुलेट करो, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. अगर 24th तक पैसे देता तो सीडी अलाउ करते. अब उसने पैसे दिए 23rd को, विद इन 10 डेज है, यस, सीडी अलाउ करना पड़ेगा. डिड यू गेट इट? बट पूरा क्या आप? हाफ पे सीडी. हाफ कितना होता है? 2500. तो राइट इन 2500 एंड उस पे सीडी ले. 2500 पे सीडी कितना है? 50 rupees. दिस सर 2500 ही है, उस पे सीडी ले लो. 2% हुआ 50, नेट अमाउंट इज 245. नाउ इज ही गिविंग बाय कैश और चेक? Cash. With discount. What is the entry? Cash, debit, cash, debit, discount, allow, debit, Tura. Kit to sales. Tura. Sales to ho chuka. Then Ram is the gift. So cash, debit, discount, allow, debit, Tura. All of you got this one? Yes, sir. Cash, debit, discount, allow, debit, Tura. How much cash, debit? 2000. 2450. Cash account, debit, 2450. डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस 50 कम मिला एंड टू राम 2500 बीइंग कैश रिसीव बीइंग हाफ कैश रिसीव फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड बीइंग हाफ कैश रिसीव फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड बीइंग हाफ कैश रिसीव फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड. अब मुझे सोच के बताना राम से और कितना पैसा लेना पड़ता? वो जब देगा तब उसकी एंट्री हम कर, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं. क्रेडिट सेल्स पूरा करके रख दिया, गॉट इट? बैलेंस 2500 होगा, अभी कोई एंट्री नहीं आएगा, जब पैसे देगा तब करेंगे. इज इट क्लियर? हेलो मिस्टर खान परचेज द स्कूटर फॉर हिज सेल्समैन 8000. स्कूटर टू कैश. सेल्समैन घर का थोड़ी है, बिजनेस क्या है ना? सेल्समैन किधर होता है? बिजनेस. पर्सनल सेल्समैन नहीं, सेल्समैन घर का ना, सॉरी बिजनेस का ही होता है. तो बिजनेस का एसेट है, वही मैं बोल रहा हूँ. इट्स नॉट पर्सनल एक्सपेंस, इट इज बिजनेस. सो स्कूटर टू कैश, यू कैन ऑल्सो राइट व्हीकल टू कैश, स्कूटर टू कैश या फिर व्हीकल टू परचेज. स्कूटर इज एन एसेट, बीइंग स्कूटर परचेज, बीइंग स्कूटर परचेज, बीइंग स्कूटर परचेज. नेक्स्ट मिस्टर खान सेटल मिस्टर शेट्टीज अकाउंट द क्रेडिटर फॉर 15,000 बाय गिविंग हिम गुड्स वर्थ 14,000. क्रेडिटर को सेटल किया, 1000 रुपया क्या है? ट्राई टू फ्रेम फुल. शेट्टी अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट डिस्काउंट. वेरी शेट्टी टू गुड्स टू डिस्काउंट. बैठा दिमाग में, 15 देना था दिया 14,000 गेन क्रेडिट ऑल इनकम सेंट. शेट्टी अकाउंट डेबिट 15,000 टू गुड्स अकाउंट 14,000 टू कैश 1000. शेट्टी अकाउंट डेबिट 15 डिस्काउंट अलाउ टू गुड्स टू डिस्काउंट रिसीव. क्या बोला? कैश बोला, सॉरी. शेट्टी अकाउंट डेबिट 15,000 टू गुड्स अकाउंट 14,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1000. रिसीव्ड क्या अलाउ? क्रेडिट ऑल इन. सी बहुत सिंपल फंड है, अगर क्रेडिट में आ रहा है तो डिस्काउंट रिसीव है, डेबिट में आ रहा है तो डिस्काउंट ऑटोमेटिक. नेक्स्ट वन बीइंग गुड्स गिवन टू शेट्टी इन फुल सेटलमेंट, बीइंग गुड्स गिवन टू शेट्टी एंड डिस्काउंट रिसीव, बीइंग गुड्स गिवन टू शेट्टी एंड डिस्काउंट रिसीव, गुड्स गिवन टू शेट्टी इन फुल सेटलमेंट.
being goods given to Shetty and discount. Cash bench. Received 500 on account of Shyamlal on behalf of Ramla. Received 500 on behalf of on account from Shyamlal on behalf of Ramlal. The debt. Cash to Ramlal. Cash to Ramlal or cash to Shyamlal? Ramlal. Ramlal. Behalf. Ram say quiet. Cash to Ramlal's account. 500 being cash received from Shyamlal on behalf of Ramlal. Silence. Being cash received from Shyamlal on behalf of Ram. Pura list. Being cash received from Shyamlal on behalf of Ramlal. Okay, now next one is a bit tricky. Let's see. See, listen. Horse purchased from Mr. Khan died. Its carcass was sold for 500. Why? Understand it. The law, horse purchased from Mr. Khan died. Its carcass was sold for 500. Carcass is that leather, whatever. Abhi, haan, livestock was an asset. Aya ki gaya. Paisa kitna mila? Baki? Loss. So, pura paisa cash debit? Loss on livestock debit? To livestock. To livestock. Just like furniture it is. Samjha? One second. Cash? Account debit. How much cash are we getting? 500. To livestock. Livestock was asset, right? Livestock kitne ka tha? 5000. Hamesha asset mein kya likhte ho? Kitne ka? Cost. Aaya to bhi kitne ka? Gaya to bhi kitne ka? Aaya 5000, gaya 5000. Mila kitna? 500. So ye kya hua? Loss ho gaya ki gain ho? Loss. Of how much? What is this loss? Loss on livestock. That leather. Or that skin or hides. Okay. So loss on livestock क्योंकि debit हो रहा है. अगर यही 5000 का horse, you would have sold for 6000. Profit. Profit on livestock. Credit हो जाए. Entry remains cash loss to asset या cash to asset to profit. जो भी asset है basically funda remains. Whether it is livestock, whether it is furniture, motor car, shares. सबका फंडा समझा वो बॉस नहीं है बोस है बीओएस 27th में इस बोस बीओएस नाउ साइलेंस पिन ड्रॉप प्लीज एकदम एकदम शांति रखो देखो ध्यान से वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री मिस्टर बोस सेटल्ड इज अकाउंट बाय अ चेक नाउ हु वाज बोस फाइंड आउट बोस फिफ्थ में पीछे टर्न करो प्लीज फिफ्थ में तुमने बोस को गुड्स बेचा था ठीक है 9000 कैन यू सी दैट उधर उधर देखो टर्म्स एंड ऑफ जैन तक दिया तो यू विल अलाउ 2% सीडी इजी गिविंग यस विल यू अलाउ सीडी नाउ 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 हु वाज बोस वाज ही आवर डेटर और क्रेडिट डेटर और क्रेडिट ऑल ऑफ यू अग्री पैसा लेना था कि देना था लेना था हाउ डू यू फाइंड आउट डेटर से कितना पैसा लेना है डेबिट माइनस क्रेडिट कि क्रेडिट माइनस डेबिट अभी अभी बता ना क्रेडिटर है तो यू टू क्रेडिट माइनस डेबिट डेटर है तो डेबिट माइनस तो बोस को हमने डेबिट किया हुआ है फिफ्थ एंट्री में कैन यू सी दैट कितने से डेबिट किया 9000 से डेबिट किया क्रेडिट कहीं पे भी किया बोस को चेक करो पूरे एंट्रीज में चेक करो बाद में बोस आया कहीं पे भी सिंपल सो बोस का नोट विल लुक लाइक दिस बोस इज अवर डेटर बोस इज अवर डेटर सो यू फाइंड आउट ये डेबिट माइनस क्रेडिट का मतलब क्या कितना पैसा लेना बाकी है तो बोस को हमने डेबिट किया 9000 से क्रेडिट है ही नहीं निल सो आई थिंक दिस बिकम्स 9000 2% सीडी लेना है Before Jan. So I think that's 180. Yes. Date is 8820. End of December.
How is he giving? Cash or check? Bank. Bank account to Mr. Bosa. Bank account debit. Discount allowed. Debit to Bose. Why discount allowed? Because CD is. समझा कि नहीं लिखो बैंक अकाउंट डेबिट 8820 डिस्काउंट अलाउड डेबिट 180 टू बोस 9000 समझ रहा है इधर दृष्टि बैंक अकाउंट डेबिट 8820 डिस्काउंट अलाउड डेबिट 180 टू बोस 9000 कंफर्टेबल वन सेकंड I'll finish it off. Now listen. Paid rent 300 for the month of February and March in advance. That is what? Advance payment. Outstanding. Prepaid. But I have to say. If you pay before time, then it is prepaid. After that, it is outstanding. So, here, what is entry? Prepaid rent to cash. Prepaid rent to cash. 300. Prepaid rent to cash 300 prepaid rent to cash 300 किया तुमने लास्ट लास्ट का एंट्री क्या है लास्ट का क्या किया लास्ट का पे टू कैश 100 ड्यू है पे नहीं किया सर पर इंटरेस्ट है ना हां बट पे नहीं किया ड्यू है ड्यू ड्यू आया है उसको लोन दिया था वो आया है इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे वेट ना 2 मिनट 5 मिनट में पहुंच जाएगा लेट मी डिस्कस 1 मिनट डोंट वरी देख लो फटाफट प्रीपेड रेंट टू कैश किया नेक्स्ट गुड्स ऑफ 500 वर डैमेज्ड इन ट्रांजिट इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड गुड्स ऑफ 500 वर डैमेज्ड इन ट्रांजिट इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड कितने का एडमिट किया कुछ दिया तो फुल अमाउंट पूरा क्लेम है मतलब लॉस कुछ भी हुआ है अच्छा क्लेम एडमिटेड है कि रिसीव्ड है मिलना तो जीरो लॉस इंश्योरेंस कंपनी टू गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट राइट डाउन इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट कितना क्यों समझा लॉस कुछ भी हुआ पूरा क्लेम मिलने वाला बाकी है अगर पूरा लॉस होता तो लॉस टू गुड्स पूरा क्लेम आया तो क्लेम टू गुड्स गॉट इट सो इंश्योरेंस कंपनी टू गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट अकाउंट 500 अभी क्लेम फॉर द अमाउंट डैमेज इज रिसीव्ड फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन तो पैसा मिल गया तो कैश टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट सेम अकाउंट कैश टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट अभी अभी बताया था ना यहाँ पे आया था क्लेम अपना इंश्योरेंस कंपनी 2-3 दिन बाद उसने पैसा दिया सो कैश टू इंश्योरेंस कंपनी आइदर कैश टू इंश्योरेंस कंपनी या कैश टू इंश्योरेंस क्लेम दोनों समझा पहले क्लेम एडमिट किया था अभी क्लेम रिसीव इज दिस क्लियर अभी लास्ट वन इज इम्पोर्टेंट इंटरेस्ट ऑन अपटेज लोन इज ड्यू फॉर द मंथ ऑफ जैन अंडरलाइन दैट स्टार मार्क करना सर एसी टीएच मिस हो गया अभी तो क्लियर इंटरेस्ट ऑन अपटेज लोन इंटरेस्ट ऑन अपटेज लोन इज ड्यू फॉर द मंथ ऑफ जैन अभी आपके से हमने लोन लिया था कि उसको लिया था तो आर वी सपोज टू पे और रिसीव अगर इंटरेस्ट पे कर देते तो एंट्री क्या होती पे किया व्हाट इज इंटरेस्ट फॉर अस एक्सपेंस सो एंट्री क्या होती इंटरेस्ट टू कैश इज इट पेड और इट इज ड्यू देना अभी पहले तो कैलकुलेट करो अपना पीएनआर वाला फॉर्मूला मालूम है इंटरेस्ट का प्रिंसिपल रेट अमाउंट कितना था आपके लोन 12% तो ये लिख दो उधर लोन अमाउंट बताओ 10,000 प्रिंसिपल 12% 12/100 How many month? Only for the month of Jan. So 1 month. So 1 upon 12. 12 and... So... 100 rupees. 100 rupees is your interest. Itna dena hai. Agar de dete, to interest to cash, expense to cash, story over. But dena... Expense ka important rule bataya tha. Expense ka jab time aata hai, tab expense debit ho jata hai.
अप्रूवल सिस्टम तो टाइम बेसिस पे इंटरेस्ट को डेबिट होगा व्हाइट व्हाइट इंटरेस्ट ऑन आपके लोन विल बी डेबिटेड इंटरेस्ट का टाइम आ गया इंटरेस्ट विल बी डेबिटेड टू कैन वी राइट कैश नो आर वी पेइंग इट नो टू देना तो उसको क्या बोलते जो देना बात तो एक्सपेंस देना बात है उसके लिए नाम आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन आपटेज लोन अकाउंट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन आपटेज लोन अकाउंट ये जनवरी एंड में दिया नहीं है देना बाकी है तो बाकी है तो भी इंटरेस्ट तो डेबिट हो ही जाएगा अप्रूवल सिस्टम के हिसाब से टाइम आया इंटरेस्ट डेबिट दे देते तो टू कैश देना बाकी है तो टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट देना बाकी है इट्स अ लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग अब तीन दिन बाद अगर सपोज ये इंटरेस्ट देते तो एंट्री क्या होगी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन आफ्टर लोन टू तीन दिन बाद ये एंट्री इज इट क्लियर तब ये सेटल है अभी तक देना ड्यू का मतलब समझा फिर स्टॉप नथिंग फॉर होमवर्क